हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज एक हम लोग लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस साइड में रखते हैं, क्योंकि अगर इतना इजी होता बस प्रॉफिट एंड लॉस कमाना मार्केट के अंदर, साइकोलॉजी अगर कुछ नहीं होता तो फिर हर कोई एक ट्रेडर होता। तो हम लोग आज देखें किस तरीके से अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे 300 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, 100 पॉइंट निफ्टी में खुल रहा है और मैग निफ्टी में 300 पॉइंट। तो हम लोग एक प्लान बनाएंगे, अभी हम लोग का 9/11 हो रहा है, तो एक प्लान बनाएंगे और प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर उसका आउटकम नेगेटिव निकलता है वेल एंड गुड, उसका आउटकम अगर प्रॉफिट निकलता है तो वेल एंड गुड। देखो, हमेशा इट्स ए बिजनेस, तो हमेशा जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, राइट, हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं ये सोच कर कि नहीं मार्केट में अच्छा चलेगा, हो सकता है अच्छा चले, मे बी अच्छा ना चले, लेकिन एज ए बिजनेसमैन का काम क्या होता है कि नहीं हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना। तो अभी हम लोग सेम कर रहे हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड करेंगे, उसका आउटकम को साइड में रखें, लेकिन हमारा एम क्या होता है, हमारा कॉस्टिंग इतना लगता है उसके ऊपर हम लोग को प्रॉफिट मिले। तो 1:2, 1:3 इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे 9/12 हो रहा है, 35,900 समथिंग बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, मतलब 36,000 के आसपास ओपन हो रहा है, राउंड लेवल है ये, फर्स्ट क्लू है। एंड 16,700, पहले चलिए हम लोग निफ्टी देखते हैं। निफ्टी कल थोड़ा सा स्ट्रांग था, एग्जैक्टली ओपन कहाँ पे हो रहा है डेली चार्ट के अंदर पहले हम लोग देखते हैं, फिर प्लान बनाएंगे। ओपन हो रहा है 16,760, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा। अभी अगर रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, समय अराउंड ये लेवल पे रेजिस्टेंस है विच इज गोइंग टू टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब 16,800 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, करेक्ट। तो मैं चाहूंगा 16,800 के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बने तब मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। आज ये देखो, और उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एक परफेक्ट प्लेस पे ओपन हो रहा है, एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ पे इधर ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। अभी हम लोग प्लान कैसे करें, देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, हम लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाले हैं, निफ्टी रेजिस्टेंस पॉइंट पे है लेकिन बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा स्पेस है। अगर 15 मिनट चार्ट में हम लोग देखेंगे, समय अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, करेक्ट, 36,000। दो प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि नहीं मार्केट ये गैप फिल कर दे, नीचे की तरफ आ जाए, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेके फिर ये कंटिन्यू करे। बड़ा गैप अप खुल रहा है, निफ्टी पॉजिटिव था, कल क्लोजिंग पॉजिटिव था, आज गैप अप खुल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी नेगेटिव कैंडल में कन्वर्ट हो सकता है, इन द सेंस कंप्लीटली गैप फिल कर सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, दोनों ही केस में एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि आज एक ब्रेकआउट एरिया पे है। तो हम लोग प्लान कैसे करना चाहिए, हम लोग डिवाइड करेंगे दो ट्रेड के अंदर। फर्स्ट ट्रेड हम लोग डेप्थ देखेंगे कि नहीं क्या ये नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पहले नेगेटिव कैंडल में हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। अगर ये नीचे आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है हमारा ऐसा लीड करता है, वी गोइंग टू रिवर्स द ट्रेड। क्यों रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया पे 36,000 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करेगा तो हम लोग को 100-200 पॉइंट मिल जाएगा, इट विल बिकेम इजी। तो हम लोग प्लान वेट करके ट्रेड करेंगे, ये हमेशा हर एक जगह पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इमेजिन करो आज मार्केट फ्लैट खुलता, ये क्रॉस कर रहा होता, तो मैं ओनली बाय करने का सोचता और सेल करने का नहीं सोचता। ये मिडिल में खुला है तो दैट मीन्स गैप अप खुला है, तो सेल के लिए भी आ सकता है, बाय के लिए भी आ सकता है, तो इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो हम लोग यहां पे ऑप्शंस चेन के अंदर 36,000 का कॉल पुट लगा लेते हैं चार्ट के अंदर। एक सेकंड हो चुका है, टाइम हो चुका है, एक में हम लोग बैंक निफ्टी रखते हैं, एक में ऑप्शंस चेन में हम लोग 36,000 का कॉल रखते हैं, और एक जगह पे 36,000 का पुट हम लोग रखते हैं, तो हम लोग को ट्रेड करने के लिए इजी रहेगा। फायर्स के अंदर मैं ट्रेड करता हूं, ये चार्ट ऑप्शन मिलता है, तो इट बिकेम वेरी इजी। 400 के आसपास ओपन हुआ है एंड 35,900, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो चुका है थोड़ा सा। ओके, वेट करते हैं। ओके, दिस इज पुट, दिस इज कॉल 900, जिस तरीके से हम लोग सोचे थे प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो चुका है, आप अगर देख रहे होंगे। मुझे थोड़ा सा मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रेड लेना है, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट है 1080, डोंट वरी 5 मिनट के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं दूसरी जगह पे ट्रेड ले चुका हूँ, डेफिनेटली लुक लाइक 800 एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, और यहाँ पे हम लोग को ये ऑप्शन बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे जगह पे दिख रहा है। हम लोग 1000 क्वांटिटी बाय करते हैं, पहले देख लेते हैं SL कितना लगता है, 70,000 का, थोड़ा सा ज़्यादा SL होगा। अगर 70,000 का SL लेते हैं
तो हम लोग 605, हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं 1000 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। देखिए ये अभी मोमेंटम करेगा, ये मोमेंटम ट्रेड नहीं है, ये हम लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 600 तक का हम लोग का टारगेट है एंड 410 का स्टॉप लॉस है, समय अराउंड 60-70,000 का स्टॉप लॉस है एंड ये प्लान है। जब स्टार्ट हुआ था हम लोगों ने डिस्कशन किया था मार्केट डायरेक्टली 16,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। दो केस होते हैं, फर्स्ट थिंग आपको मार्केट अगर बड़ा गैपअप खुला, पॉजिटिव ट्रेंड में बड़ा गैपअप खुला तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल कंटिन्यूसली बाई मोमेंटम था, बहुत सारे लोग अपना पोजिशन होल्ड करके गए होंगे क्योंकि प्राइस एक्शन कभी नेगेटिव बना ही नहीं, तो फिर उन लोग अपना पोजिशन निकालेंगे नहीं, करेक्ट। तो जब ऊपर खुलता है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट दिखता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर नेगेटिव आया तो बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे थोड़ा ज़्यादा वीक है रादर देन निफ्टी, ठीक है वेट करते हैं। 36,000 राउंड लेवल के आसपास ही था, विल वेट। हम लोग का प्लानिंग समय अराउंड 600 के आसपास है और 100 पॉइंट, तो ये हम लोगों का स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग होता तो मैं इसको निकाल देता, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखता, तो हम लोगों का समय अराउंड 585 या 600, तो मे भी हो सकता है हम लोग इसको दिन भर होल्ड करके रखें या कुछ टाइम तक होल्ड करके रखें। सो ये अगर एसएलइट होता है तो फिर डेफिनेटली देखो फर्स्ट थिंग एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये आपका एसएलइट करेगा या नहीं करेगा कैसे पता चलेगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये डीप करेक्शन, बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं कर सकता, मार्केट समय अराउंड एक अच्छा स्पॉट ढूंढेगा उसके बाद रिकवर हो जाएगा। तो ये पॉइंट पे आपको हमेशा प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा कि ये रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मैं स्क्रीन इसको दिखा रहा हूं आपको, एक सेकेंड, कौन से जगह पे ये सपोर्ट ले सकता है समय अराउंड, ये सारे स्विंग जो बने हुए हैं समय अराउंड 35,800, ये सारे सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट एरिया में वेट करता है एंड ये रिवर्स होना स्टार्ट करता है, 38,900 क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स हमको स्टॉप लॉस लेने का भी जरूरत नहीं है, ये क्रॉस कर सकता है ऊपर की तरफ। अगर ये सारे रेस्पेक्ट नहीं करता है क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ये आपको पता है, अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करता है नीचे आ रहा है तो फिर हम लोग इसको दिन भर होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ये फिर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट, तो यहाँ पे ये नेगेटिव बनना है, निफ्टी भी स्टार्ट किया है, बैंक निफ्टी भी बना है, 38,800 क्रूशियल लेवल होने वाला है, तो विल वेट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। अगर ये सडन रिवर्सल करता है तो डेफिनेटली इट्स अ बायर मार्केट, क्योंकि आप अगर देखोगे कल निफ्टी में मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे भी आया लेकिन सडन रिवर्सल, तो ये सडन रिवर्सल जब भी आता है दैट मीन्स इट्स इन बाइंग ट्रेड। अभी अगर देखेंगे सडन रिवर्सल अगर नहीं आता है तो इट गोइंग टू कंटिन्यू और बहुत सारे लोग ट्रैप होने वाले हैं, विल जस्ट गोइंग टू होल्ड आवर ट्रेड और ज्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है। 26,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, आई जस्ट प्लान माई ट्रेड, मैंने प्लान किया और उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया, करेक्ट। तो जब भी बड़े गैप अप खुलते हैं राइट, हमको बस देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। वीडियो खत्म होगा जब मैं और एक बार आप लोगों को बता दूंगा, अभी 35-37 चल रहा है, निफ्टी अभी भी बैंड नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा मेरे लिए कॉन्शियस है क्योंकि दोनों अगर सिमिलर मूव कर रहे हैं तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर पॉज ले रहा है और कोई नीचे जा रहा है तो कोई किसी ना किसी को तो ड्रैग होना है, इधर निफ्टी ड्रैग होगा नीचे की तरफ या फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ड्रैग होगा। फिर आज अगर नीचे आएगा राइट, इट शुड बी बिग मोमेंटम, क्योंकि ये और कम मोमेंटम में नहीं रुकेगा, इसको अगर रुकना है देन 800 है तो 800 में इसको रुक जाना चाहिए और रिवर्सल के लिए प्लान करना चाहिए सो दैट कि ना ये बुलिश ट्रेंड में बने रहे। लेकिन अगर इसको नीचे आना है ना, इसको बहुत तेजी से नीचे आना पड़ेगा सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू अ नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव मार्केट में कन्वर्ट होने के लिए, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता आके मिडिल में क्लोज हो जाए। क्यों मिडिल में क्लोज हो जाए सेंस नहीं बनता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक आपको ट्रेंड याद होगा यहां पे भी बहुत बड़ा गैप अप खुला था, सिमिलर स्टोरी था, थोड़ा सा पुल हुआ ऊपर की तरफ, एक रेजिस्टेंस पॉइंट की 36,000 के पास हिट हुआ, फिर ये नीचे की तरफ आया था, लेकिन उस दिन अगर हम लोग देखेंगे ये गैप फिल नहीं कर पाया था। आज अगर हम लोग देखेंगे इसके पास चांसेस है गैप फिल करने का, 800 समय अराउंड 600 है, 200 पॉइंट मोर, लेकिन अभी भी निफ्टी लो ब्रेक नहीं किया है, व्हिच इज ए कंसर्न। निफ्टी लो ब्रेक करेगा तो फिर मोमेंटम आएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है लोग हमेशा हाई या लो पे एसएल रखना प्लान करते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने क्या प्लान किया है, इसके नीचे एसएल है तो दैट मींस बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसएल है, करेक्ट। जब भी मार्केट रिवर्सल होता है या फिर ये आके हिट करता है तो यहाँ पे फास्ट मोमेंटम होता है, तो इसके लिए ये थोड़ा पॉइंट ध्यान में रखना, ये जगह जब क्रॉस कर गया तो फिर हम लोग कन्फर्म होंगे, लेकिन ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है विच इज ये थोड़ा सा कंसर्न है। बस हाँ बैंक निफ्टी एक अच्छे जगह पे है तो इसके लिए मैं इसको होल्ड किया हूँ, ओके ओके, विल सी किस तरीके से ट्रेड होता है।
800 यहाँ पे ये पॉज ले रहा है, ये ऑलमोस्ट डे हाई क्रॉस करने के लिए रेडी है, ये डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। यही इश्यू है कि ना हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड नहीं मिल रहा है मार्केट के अंदर, दोनों साइड वॉलेटिलिटी इसलिए क्योंकि निफ्टी वन साइडेड मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी अलग जगह मूव कर रहा है, तो हम लोग को ट्रेंड कहाँ से मिलेगा। दोनों अगर एक बार सिंक हो जाए तो हम लोग को अच्छा पैसा मिलेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, नो डाउट निफ्टी डे हाई क्रॉस करने के लिए रेडी हो रहा है, बैंक निफ्टी डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। विल सी, जस्ट विल वेट, कोई ना कोई तो पुल होने वाला है, जस्ट इमेजिन ये थोड़ा सा पुल हो सकता है। ओके, एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, कोई सेंस नहीं बनता है, निफ्टी डे क्रॉस कर रहा है 800 के आसपास, एक रजिस्टर पॉसिबल है इसके पास। इन दिस केस राइट, तो बेटर है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके हम लोग होल्ड कर, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि निफ्टी डे हाई क्रॉस किया तो ये फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। 800 से 829 एग्जैक्टली 800 पे एक रेजिस्टेंस बनाया, तो हम लोग काम करते हैं एक प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि 900 पहुंचेगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्की होगा। 26,000 या 25,000 के आसपास एक प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने। प्लान थोड़ा सा, बस अगर निफ्टी यहाँ तक आ जाता तो फिर हम लोग होल्ड करके रखते, बट आया नहीं, और हम लोग यही सोचे थे 800 के आसपास एक रिवर्सल आ सकता है और 900 के आसपास हम लोग निकाल देंगे, लेकिन हम लोग को दिख रहा है 3 कैंडल नेगेटिव होने के बाद ये रिवर्सल होने का सोच रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, तो बेटर है प्राइस एक्शन के हिसाब से निकाल दे क्योंकि हम लोग और ट्रेड मिलेंगे। विल सी, विल वेट। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट करने वाले हैं, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि मोमेंटम हम लोग जिस तरीके से चाह रहे थे उस तरीके से था नहीं, तो मोमेंटम में हम लोग बाइंग करके कमाए। अभी हम लोग का स्टॉप लॉस थोड़ा कम रखने के लिए 212 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री पॉइंट 9193 और स्टॉप लॉस 213, तो हम लोग का जितना प्रॉफिट हुआ था उसके नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस है। अभी क्या है ना, हम लोग का डे वन में 25,000 बन गया है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा 25,000 लॉस हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा रिस्क कम रख के ट्रेड लेने वाला हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, ये क्रॉस करेगा 193, आई एम गोइंग टू टेक द ट्रेड। और हम लोग सेम मोमेंटम बहुत अच्छा हुआ था यहाँ पे, बस ये क्रॉस कर जाए क्योंकि डे लो क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इट्स अबाउट 2 193 विल गोइंग टू बी आवर एंट्री प्राइस। ओके, मैं मैनुअली ट्रेड लेना पसंद करता हूँ क्योंकि सो दैट आई कैन सी द प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है। ओके, आई कैन टेक वन मोर ट्रेड 10 लाख। ओके ओके, थोड़ा सा पहले हुआ, थोड़ा सा पहले हुआ, बट इट्स लुक लाइक इट गोइंग टू ब्रेक। हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, डे हाई का स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस होगा 213, तो यहाँ पे हम लोगों का 213 का स्टॉप लॉस होगा और इट गोइंग टू बी ए होल्ड ट्रेड। इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करने वाला हूँ, डे लो क्रॉस करते करते रुक गया है, फाइन, नो इशू, क्योंकि हम लोग को इतना बड़ा रिस्क है नहीं इसके अंदर। थोड़ा सा पहले ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ बट द ट्रेंड लुक लाइक थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि हाई ये जस्ट क्रॉस किया फिर नेगेटिव आ गया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं आज क्रॉस करेगा डे लो, तो हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले एग्जीक्यूट हुआ, फाइनली निफ्टी अगर देखेंगे हम लोग डे लो अभी टच किया है, दैट मीन्स हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छे जगह पे हम लोग को अभी 2,000 2,500 मिल रहा है। अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि अगर एक्सेलेरेट करेगा वेल एंड गुड, क्योंकि एज ए ट्रेड मैं अभी हैप्पी हूँ कि नहीं, डे लो क्रॉस किया, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, निफ्टी डे लो क्रॉस किया, अभी अगर रिवर्स होकर ऐसे लीड करता है इट्स ए परफेक्ट ट्रेड, प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड लिए हैं, अगर ऐसे लीड करता है वेल एंड गुड, नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन इसको हम अभी हम लोग जाने नहीं देंगे। ये ट्रेड मैं इसको होल्ड करके रखने वाला हूँ, इधर इट विल गोइंग टू बी एस एल हिट और टारगेट। अभी अगर एक जनरल पॉइंट बताऊंगा, देखो ऑप्शन सेलिंग में मैं ज़्यादा किस तरीके से इन द मनी पे ट्रेड कर, अभी अगर एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि देखो सिंपल सा पॉइंट है, 16,750 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करेक्ट, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, एक दो कंडीशन हो सकता है मार्केट यहाँ से कंडीशन नीचे चला जाए या फिर यहाँ से रिवर्सल जाए कि हमारा एसएल रीड करे, अगर ये एसएल रीड करता है हमारा निकल जाएगा 10 रुपये का, 5,500 का रिस्क है, हम लोग निकाल देंगे, टोटल 20,000 का आज प्रॉफिट होगा, वेल एंड गुड। मैं नेक्स्ट टाइम फिर कल ट्रेड करूंगा, और दो ट्रेड प्लान करना था और ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। अगर ये कंटिन्यू आता है, इमेजिन करो 16,750 और अभी इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 192, नो डाउट इसके अंदर बहुत ज़्यादा मनी भी है, मतलब जो आपका टाइम वैल्यू है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया क्लोज कहाँ पे हो रहा है, 16,650 700 मिडिल में हो रहा है, मैं यहाँ तक प्लान कर सकता हूँ। अगर यहाँ तक आ जाता है ये फिर जीरो हो जाएगा एक्सपायरी डेट तक, तो मैं ये पॉइंट ये पोजीशन को होल्ड करके रखूंगा, मेरा रिस्क था 10,000 का, यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, आप काउंट कर सकते हो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में मैं इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रखता नहीं हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए मिल रहा है। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा एज पर ट्रेडर,
ये डे हाई क्रॉस किया। डे हाई क्रॉस करने से नो डाउट एडिशनल ऑफ बायर्स होना चाहिए था, यहाँ पे जब भी ये क्रॉस करता है एडिशनल ऑफ बायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो बायर मिले नहीं। और इमीडिएटली आप अगर देखोगे नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल अगर नेगेटिव में आ रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव सिनेरियो, एटलीस्ट आज के दिन में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ट्रेंड नेगेटिव है कुछ है, एज ए ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर मैं बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेड किया हूँ, तो मेरे लिए ये आज थोड़ा सा मतलब नेगेटिव बन चुका है। तो मैं मेरा ट्रेड को अभी होल्ड करके रखने वाला हूँ। बाइंग में हम लोग को एक अच्छा 1:1 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था, हम लोग ट्रेल करके उसको निकाले एक जगह पे, फिर अभी इसको हम लोग होल्ड करके रखेंगे। और एक एनालिसिस मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अगर हम लोग देखेंगे एक पॉइंट ध्यान में रखो, 2650 से ये 2851 सिंगल शॉट में क्रॉस करना चाह रहा है। अगर हम लोग देखेंगे 2800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राउंड लेवल है, यहाँ से ये क्रॉस करना चाह रहा है विच इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। इस लेवल के आसपास थोड़ा सा इसको पॉज लेना चाहिए मेरे ख्याल से 2800 के आसपास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं इसका 5 मिनट देखते हैं, 5 मिनट में एक नेगेटिव कैंडल बनने दीजिए, क्लोज होने दीजिए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं एक ट्रेड, यहाँ पे वेट करते हैं, विल जस्ट वेट, क्लोज होने दीजिए, इसके नीचे ट्रेड होने दीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि 2800 एक राउंड लेवल है एंड 28 10 रुपये के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। जस्ट विल सी विल वेट कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर अभी भी ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करेगा तो हम लोग इसको निकाल देंगे। ओके, विल जस्ट हैव टू वेट। निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम में जा रहा है, विल सी। 947 हो रहा है, हम लोग 947 मतलब ऑलमोस्ट 950 3 मिनट के बाद ट्रेड लेंगे। 2800 ये आ जाएगा उससे पहले, 2800 क्यों बोल रहा हूँ, राउंड लेवल है। एंड अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एक इम्पोर्टेंट लेवल कभी भी डायरेक्ट क्रॉस नहीं करता है। इम्पोर्टेंट लेवल है ये, ऑल टाइम हाई के आसपास है, इसको यहाँ पे एक दो दिन पॉज लेना चाहिए फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनता है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड ऑन ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लाइव एनालिसिस में भी, मतलब जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, 100 का प्राइस है, हम लोग इसको बाय करने वाले हैं, मार्केट 90 से जाके 100 क्रॉस करेगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भले ही ये मेरा लेवल है। मैं इंटरेस्टेड कब हूँ, मार्केट अगर 98 या 99 पे ओपन होके ये क्रॉस कर रहा है, सो दैट बायर्स को कहीं पे प्रॉफिट नहीं मिला है। इन दिस केस बायर को प्रॉफिट मिल चुका है 2650 के आसपास, जितने लोग यहाँ पे परचेस किए होंगे, जितने लोग ये ब्रेकआउट पे परचेस किए होंगे, उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा तो उन लोग वहाँ से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेगा, सेलर मार्केट को नीचे लेके आ नहीं पाएंगे, यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा, फिर ब्रेकआउट देता है। जनरली प्राइस एक्शन इस तरीके से बिल्ड होता है। तो हम लोगों का 5 मिनट में एक शॉर्ट हो सकता है, हम लोग वेट करेंगे 500, यहाँ पे 2800 परफेक्ट लेवल पे है। मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी सेल नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट हम लोगों का इंटेंशन ये नहीं है कितना पैसा कमाएं, हमारा इंटेंशन ये है 10,000 के आसपास कुछ ट्रेड लेते हैं। इंट्राडे है करेक्ट, हम लोग को 5x लिवरेज मिल रहा है, 10,000 के आसपास हम लोग 49 हो रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो आई एम गोइंग टू टेक ट्रेड, यहाँ पे हम लोग का SL रहेगा समय अराउंड 2088 सर 8 पॉइंट का SL रहेगा और 2800 का स्टॉप लॉस है, दैट मीन्स हम लोग 1:2 का भी प्लान कर सकते हैं। ओके, लेट मी मैं रेडी रहता हूँ सेल करने के लिए, अबाउट टू ब्रेक, मैं बस टाइमिंग देख रहा हूँ कब होगा। ओके, 50.09495053 54, इसको राउंड क्लोज होने दीजिए, फिर ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके नीचे अगर आता है तभी मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज आई नॉट टेक एनी ट्रेड, लेट इट ब्रेक, ब्रेक करेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, अगर ब्रेक नहीं करता तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। 2800 का राउंड लेवल है, 16 रुपये का हम लोग का टारगेट है, 8 रुपये का स्टॉप लॉस, इट्स ए प्लान, मार्केट को आने दीजिए तभी ट्रेड लेंगे, अदरवाइज देयर इज नो ट्रेड। ओके, सिंपल, इधर इट विल गोइंग टू हिट SL और हम लोग को प्रॉफिट देगा, 1400 के आसपास कुछ चल रहा है, विल जस्ट हैव टू वेट। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, लेकिन निफ्टी के वजह से अभी ये थोड़ा सा पॉज ले रहा है, ऑलमोस्ट ये 800-750 के आसपास कंटिन्यूसली पॉज ले चुका है। आप देख रहे हो रिलायंस अबाउट टू ब्रेक अगेन द हाई, इसी की वजह से इशू आ रहा है, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो हम लोग को दोनों में एक रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा। ओके, वहाँ पे HDFC बैंक बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा रहा है, यहाँ पर रिलायंस मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है निफ्टी को। ओके, इट्स अबाउट टू कम, ये आ रहा है, रेडी हो रहा है, 205 4 रुपये और है,
डोंट बी हरी। यहाँ पे अगर देखेंगे बैंक निफ्टी एक लो लगा चुका है, अगर आप लोग देख रहे होंगे 56-58 फिर से लो लगाना शुरू कर चुका है। ओके आएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो द रीजन 28 राउंड लेवल भी है एंड ऑल टाइम हाई के आसपास रिलायंस है, एक प्रॉफिट बुकिंग हमको मिलने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, एक ट्रेड मिलेंगे। 8 जस्ट कुछ रुपए और बचा हुआ है, 28 आसपास ट्रेड ले लेंगे क्योंकि 2800 में एक ट्रांजेक्शन बड़ा ट्रांजेक्शन हो सकता है। ओके चलो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस, काइंडली चेक द ऑर्डर बुक। ओके एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, रिलायंस इंट्राडे नॉट अलाउड टू ट्रेड इन NSE इक्विटी क्लाइंट लेवल। आई थिंक मैंने ओनली FNO यहाँ पे एक्टिव किया है, आई थिंक उसी के लिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रिजेक्टेड, फाइन नो इशू। आप लोग बस इमेजिन करो कि नहीं यहाँ पे फ्यूचर में और फंड होगा नहीं, एक्चुअली 25,000 का और है नहीं, ठीक है नो इशू। आप लोग इमेजिन करो कि नहीं हम लोगों ने 2801 पे ट्रेड लिया यहाँ पे, क्योंकि इक्विटी लेवल पे मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन बस यहाँ पे एक्टिवेट किया हूँ, मैं यहाँ पे होल्डिंग रखता नहीं हूँ, तो ठीक है। और SL यहाँ पे है, ठीक है, तो 8 रुपये का भी और SL नहीं है, 7 रुपीज़ का SL है, और हम लोग का टारगेट जो है वो है हम लोग का लेट्स इमेजिन 16 रुपये का टारगेट है। तो 2801 माइनस कितना होता है, 2801 माइनस 16 2785। ओके 2785 दैट मीन्स यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको आने के लिए। ओके आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत बड़ा टारगेट है सर, इतना नहीं आएगा, मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर है। देखो मार्केट अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, हम लोग एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड किए, इतना मैं एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड किया हूँ, उसके ऊपर मैं ट्रेड लिया हूँ, और हम लोग यहाँ पे लॉस कितना होगा, 8 पॉइंट लॉस होगा, मिलेगा कितना, 16 पॉइंट। तो डेफिनेटली इसको मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और अगर हम लोग देखेंगे 2800 के आसपास डे हाई है, ऑल टाइम हाई इसी लेवल के आसपास चल रहा है, तो नो डाउट थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना। आप देख रहे हो मैं जो एक पॉइंट में डिस्कशन कर रहा था, 2800 अगर आता है तो बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, तो हम लोग को एंट्री फील होने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सेम लेवल पे ये टच किया, डायरेक्टली 2 रुपये नीचे गिर गया, इसलिए मैं 2801 के आसपास ट्रेड लिया, सो दैट कि नहीं हम लोगों को ज़्यादा रिस्क ना हो, हम लोग को फील हो जाए, हम लोग को प्रॉफिट मिल जाए, मतलब सेम लेवल पे हम लोग को ट्रेड मिल जाए। यहाँ पे अगर देखेंगे आपको अभी समझ में आ रहा हो किस तरीके से प्राइस मूव करता है, तो यहाँ पे हम लोगों का SL हिट ऑलमोस्ट होने को है अभी, सॉरी 204 हम लोगों ने 208 के आसपास स्टॉप लॉस रखा था, एक सेकेंड 204 के आसपास ही हम लोग का SL था, ठीक है। तो आई थिंक ये SL अभी जाने वाला है, तो इसको अभी निकाल देते हैं हम लोग 204 के आसपास था, ठीक है, ये हाई क्रॉस करेगा तो हम लोग इसको निकाल देंगे, मतलब सेम 5,500-6,000 ही जाएगा। इसको अगर हम लोग देखें 208 के आसपास, 2808 के आसपास स्टॉप लॉस है, ज़्यादा हम लोग इसमें SL प्लान नहीं किए हैं। ओके क्या ये एम पैटर्न बनेगा या फिर ब्रेकआउट दे देगा, ऑल सी। ओके दोनों ही केस के अंदर हमको कंफर्म हो जाएगा मार्केट कहाँ जा रहा है। ओके ठीक है, 204 से थोड़ा रिट्रेस हुआ है 205 के, मेरे को बस कंफर्म इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि नहीं अपट्रेंड में जाएगा विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट निफ्टी। अगर मैं आपको बताऊँ इशू क्या है, अब देखो मार्केट, चलो निफ्टी में आपको दिखाता हूँ तो आपको कुछ पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ पे निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाउ मच टाइम इट विल टेक, यहाँ से 2 कैंडल बना ऊपर गया, 1 कैंडल बना, फिर रिकवरी हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 5 कैंडल मिलके भी एक रेड कैंडल का ऊपर निकल नहीं पा रहे, सो इट्स लुक लाइक थोड़ा सा रिवर्सल है, मतलब नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन जब तक ये सारे लेवल फ्रेश लो नहीं बनाता या फ्रेश स्विंग नहीं बनाता तब तक कंफर्मेशन नहीं है, तो विल वेट। अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था फिर रिवर्सल आ गया, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। ओके तो हम लोग अपना पोजीशन यहाँ पे रखे हैं 204-205 के आसपास ही निकाल देंगे, क्योंकि ये 3-4 कैंडल बनाया इमीडिएटली निकल गया। ठीक है यहाँ पे समय अराउंड अगर पकड़ लो कि नहीं यहाँ पे अगर मैं निकाला होता, एक साइकोलॉजी पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, अगर मैं 204 में निकाल दिया होता और अगेन 20194 आ रहा है मेरे एंट्री प्राइस में, दैट मीन्स मेरा एंट्री करेक्ट था जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी के कारण SL हिट हुआ, तो मैं री एंटर करता करेक्ट, क्योंकि मुझे 25,000 मिलने के बाद 2 बार ट्रेड लेंगे तो 10,000 जाएगा, स्टिल आई एम गोइंग टू मेक मनी। लेकिन ट्रेड हमारे फेवर में अगर जा रहा है तो फिर इसको हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। हाँ ये अगर 220-230 चला जाता फिर 194 आता तो मैं री एंट्री नहीं लेता,
ये जस्ट ऐसे लीड करके रिटर्न आया है तो मैं री एंट्री ले सकता था, करेक्ट। ये सारे पॉइंट सारे याद रखना। और यहाँ पे हम लोगों ने 2801 पे प्लान किया था ट्रेड, और ये डे हाई हम लोगों का SL, इट इज दैट सिंपल। अभी बस हम लोग को वेट करना है। तो अभी 10:17 हो रहा है, आप देख रहे होंगे। निफ्टी हम लोग का ऑप्शन समय अराउंड 7400 का प्रॉफिट दे रहा है, मोर देन 1:1, क्योंकि 6000 का रिस्क था। इसके अंदर आप लोग री एंट्री मान सकते हो। यहाँ पे अभी भी ऐसे लीड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लासिकल एम पैटर्न बन चुका है, तो यहाँ पे ट्रेड लेके SL परफेक्ट प्लेस पे है, नो इशू। हम लोग का टारगेट है 2785, 94 या 93 तक आया था, फिर रिवर्सल हुआ था, अभी थोड़ा सा नेगेटिव फिर से आ रहा है और बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं 2018 में मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता था, और इन दिस केस फ्यूचर में आप देख रहे हो किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता था। 2020 का अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑप्शन बाई करना स्टार्ट किया। आप पहला ट्रेड आप लोग देखे होंगे किस तरीके से ऑप्शन बाइंग का मैंने प्लान किया था, एंड अभी मैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं ऑप्शन सेल प्लान करता हूँ। अभी ये ट्रेड मेरे लिए इधर SL होगा या फिर मैं इसको होल्ड करके लेके जाने वाला हूँ। अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है, नीचे की तरफ आता है, इसको होल्ड करके रख लेना है। लेकिन कौन से पॉइंट पे होल्ड करूंगा मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है 194। अगर ये मिनिमम 25% का प्रीमियम डीके नहीं होता, दैट मीन्स 25-30 रुपीज, या फिर यहाँ से 40-50 रुपये का अगर प्रीमियम डीके नहीं होता, तब तक मैं इसको होल्ड करके रखने वाला नहीं हूँ। 194 तो समय अराउंड 160 या 150 के आसपास अगर ये आके क्लोज होता है, इसी लेवल के आसपास क्लोज होता है, तभी मैं इसको घर लेके जाने वाला हूँ। अदरवाइज इसको मैं घर लेके जाने वाला नहीं हूँ। अगर ये पकड़ लीजिए मार्केट नीचे आया और फिर जाके 180 पे क्लोज हुआ, दो आई मीन प्रॉफिट में इसको घर लेके जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि हो सकता है कि कल सुबह बहुत बड़ा गैप अप खुले, फिर इसको आप और होल्ड नहीं कर सकते। 50-60 रुपए अगर इमेजिन करो कि वो 94 में शॉर्ट किया हूं, और 50 रुपए ऑलरेडी मेरे फेवर में, कल अगर 100 रुपए ऊपर भी खुलता है तो डेफिनेटली मेरा, अगर ये खुलेगा, ये 100 रुपीज नहीं खुलेगा क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू है, ये खुलेगा 70-80 रुपीज, तो ये 78 रुपीज चलेगा, क्योंकि 70 रुपीज अगर 50 से मैं देखूंगा समय अराउंड मेरे SL के थोड़ा बहुत ऊपर खुलेगा। अगर 200-300 पॉइंट खुलता है तो भी मेरा 50 रुपए पहले जाएगा, फिर 100-150 पॉइंट मेरे हाथ से जाएंगे। तो मेरे पास जब तक लिवरेज नहीं रहता, एक अच्छा खासा मार्जिन नहीं रहता, तब तक मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा। अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी क्यों थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, आपको पता चल रहा होगा रिलायंस इज द बिगेस्ट अभी इशू कर रहा है, अगर आपको नेगेटिव साइड अगर आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि रिलायंस यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हो चुका है लेकिन अपने लेवल पे होल्ड कर रहा है, और इस लेवल पे होल्ड कर रहा है तो एक सिंगल शॉट में भी ये क्रॉस कर सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो डेफिनेटली निफ्टी भी थोड़ा ऊपर की तरफ पुल होगा। तो चलिए थोड़ा समराइज कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। फर्स्ट थिंग, मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया। फर्स्ट थिंग, गैप अप खुला, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जब भी बड़ा गैप अप खुलता है पॉजिटिव सेंटीमेंट में, एक रेजिस्टेंस एरिया पे है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करिए। एक नेगेटिव कैंडल बना, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान किए, वहाँ पे हम लोग को 40-50 पॉइंट बना, इनटू क्वांटिटी साइज हम लोग 1000 रखे थे, तो हम लोग को वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिला। सेकंड, हम लोगों ने निफ्टी शॉर्ट किया। निफ्टी कहाँ पे शॉर्ट किया, निफ्टी हम लोगों ने प्लान किया था समय अराउंड 16800 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। बैंक निफ्टी जब नीचे आया तो डेफिनेटली निफ्टी को भी हम लोग देख रहे थे कब हम लोग शॉर्ट करेंगे। हम लोग का प्लानिंग था डे का लो क्रॉस हो जाए, ये सारे लेवल क्रॉस हो जाए, हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। एग्जैक्टली वो लेवल क्रॉस हुआ, हम लोगों ने सी शॉर्ट किया। क्यों सी शॉर्ट किया इंस्टेड ऑफ पीई बाय, क्योंकि मार्केट फ्लो में नहीं आ रहा था। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे ये फ्लो में आ रहा था, लेकिन ये फ्लो में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, कम रुपीज में, कम SL में हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, तो इसके लिए मैंने सी शॉर्ट किया, सो दैट वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सी। हम लोगों ने रिलायंस क्यों शॉर्ट किया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग डेली चार्ट के अंदर चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्टली वन सिंगल शॉर्ट क्रॉस नहीं करना चाहिए। 2800 एक राउंड लेवल है, मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ब्रेकआउट दिया है, तो थोड़ा सा एक या दो दिन यहाँ पे पॉज ले सकता है, फिर ये मोमेंटम कर सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट किया था। हम लोगों ने टाइम फ्रेम क्या चूज किया था, 5 मिनट का, समय अराउंड 2800 इसी लेवल के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट किया। इमीडिएटली 2801 ये जब टच किया, या फिर 2800 जब टच किया, इमीडिएटली हम लोग को 2-3 रुपये यहाँ पे मिला, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, एम पैटर्न बहुत ही अच्छा बनाया था। उसके बाद इसका अगर लो देखेंगे, समय अराउंड लो लगाया था 2793 का लो लगाया था, ऑलमोस्ट 7 या 8 रुपीज हम लोग का स्टॉप लॉस था। 1:1 के आसपास ये मिला, फिर उसके बाद ये रिवर्सल हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और इसके कारण निफ्टी भी थोड़ा सा पुल हो रहा है। तो चलिए मैं अभी वीडियो एंड कर रहा हूँ, एंड अगर यहाँ पे देखेंगे इसको मैं कब निकालने वाला हूँ, अगर 205 क्रॉस करता है तो मैं इसको निकालूंगा, नहीं तो SL होगा, नहीं तो फिर इसको होल्ड करके रखना है। एंड बैंक निफ्टी के पास मेरे पास एक कॉल है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को, समय अराउंड 110 के आसपास कुछ प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, 110 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है।
इसको मैं होल्ड करके रखने वाला हूँ, और अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, क्योंकि अगर 5 मिनट में आप देखोगे 15 मिनट के अंदर यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन बनाया नहीं है, अगर ये प्राइस एक्शन इस तरीके से कहीं बनाता है तो 20 या 30 पॉइंट प्रॉफिट्स में मैं निकाल सकता हूँ। निफ्टी होल्ड करके रखने वाला हूँ, 205 अगर क्रॉस करता है तब मैं निकालूंगा, और यहाँ पे प्राइस एक्शन जब तक बिल्ड नहीं होता प्रॉपर तब तक इसको होल्ड करने वाला हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। कल मैं थोड़ा सा वीडियो बना नहीं पाया लेकिन आज थोड़ा फ्री था, इसके लिए लाइव ट्रेडिंग के ऊपर साइकोलॉजी मैंने इंपॉर्टेंट था, किस तरीके से बड़ा यहाँ पर खुलता है तो क्या प्लान होना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे ट्रेड होता है, किस तरीके से मैं फ्यूचर ट्रेड करता था, किस तरीके से ऑप्शन बाइंग करता था, किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ये सारे पॉइंट आप लोग अगर सीखोगे धीरे धीरे, देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हुआ, बहुत टाइम तक हमारे फेवर में रहा, फिर इट हुआ, इट्स ओके, इट्स अ ट्रेड। पहले हम लोग को 1:1 यहाँ पे मिला हम लोग ऑप्शन बाइंग में, और मोमेंटम स्लो एंड स्टडी नेगेटिव दिखा रहा था, हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किए हमारे पास टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी अगर देखेंगे 35,720 इसका टाइम वैल्यू है 20 रुपीज, अगर हम लोग देखें 180 पे हम लोग शॉर्ट किए उसका टाइम वैल्यू है 20 रुपीज, मतलब 160 रुपीज यहाँ पे बस टाइम वैल्यू है। अगर 160 रुपीज हम लोग होल्ड करके रखते हैं और मार्केट नीचे आता है, इन दिस केस अगर फास्ट आता है तो हम लोग को पैसा मिलने वाला है, और मैं इन द मनी पे कैसे ट्रेड करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आया। वीडियो चला तो मिल रहा है, कैन से कमेंट्स, अभी इतना ही, थैंक यू।